जनपद महोबा के विकासखंड जैतपुर के रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक हरेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में दो दर्जन ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रभारी खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ रोजगार सेवकों ने कर्मचारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अपनी मांगों का निराकरण नहीं होने पर किसी भी योजना के संचालन में सहयोग न करने की दी चेतावनी। विकासखंड जैतपुर में ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने 5 सूत्रीय ज्ञापन मनोज गौतम प्रभारी खंड विकास अधिकारी जैतपुर को सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से प्रत्येक माह मानदेय के भुगतान के संबंध में मांग की गई व मनरेगा की आईडी और पासवर्ड वितरित करने व 3 दिवसीय प्रशिक्षण की मांग की गई। इसके साथ ही MMS में आ रही कमियों के कारण श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, इसके संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही कई रोजगार सेवकों के शोषण व उत्पीड़न के संबंध में बात रखी गई। इसके अलावा 3 वर्ष से EPF की बकाया धनराशि अति शीघ्र खातों में जमा कराए जाने की मांग की है। इसके साथ ही रोजगार सेवक संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, हम शासन की किसी भी योजना में सहयोग नहीं करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में ग्राम रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सक्सेना का कहना है कि हम लोगों को कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता है और जमकर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, जिस कारण हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज आप लोग यहां पर इकट्ठे हैं, क्या समस्या है और आपका पद कौन सा है? हमारी विभिन्न प्रकार की समस्या, मैं ग्राम रोजगार सेवक का अध्यक्ष हूँ और विभिन्न प्रकार की समस्या हमारे पास है। जैसे समय से कभी हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है, जो और इसके बाद जो ग्राम पंचायतों के लिए जो शासनादेश है कि ID वितरित की जाए, वो अभी तक हम लोगों को नहीं दी गई। अगर हम लोगों को ID मिल जाएगी तो हम लोग यहाँ 20 और 50 किलोमीटर से दौड़ के यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि NIC में इतनी भ्रष्टाचारी भी है और हम लोगों का समय से काम भी नहीं होता है। घंटों बैठे रहते हैं, फिर भी दूसरे दिन काम होता है और कोई भी काम समय से होता ही नहीं।